नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 ग्लोबल दहशत का एक नया नाम। 31 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है। कंफर्म मरीजों का आंकड़ा 9 लाख को छूने को बेताब है। अब तक कुल 177 देश या क्षेत्र कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना ने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई, वहां 4 महीने में स्थिति नियंत्रण में आ गई है, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए तबाही चरम पर है। बाकी मुल्कों में कोरोना ने जिंदगी बेहद मुश्किल कर दी है और मौत सस्ती दर्दनाक नजर आ रही है। चीन की वुहान शहर में जन्मा और पला बढ़ा कोरोना वायरस यहां 3,299 लोगों की जिंदगी छीनने के बाद करीब 80,000 कंफर्म्ड मरीजों को खौफ ज़दा करने के बाद अब दुनिया भर में लोगों को मौत की नींद सुलाने निकल पड़ा है। दुनिया में औसतन हर रोज वो इस वक्त करीब 15,000 से 20,000 लोगों को उम्र जाति धर्म का भेदभाव किए बिना अपना शिकार बना रहा है। कोरोना वायरस नाम का मौत का ये कहर कब तक काबू में आएगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इटली में 12,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। कंफर्म्ड मरीजों का आंकड़ा चीन से भी ज्यादा 1 लाख के पार हो चुका है। आखिर किसकी गलतियों की सजा भुगत रहा है बेबस इंसान। अमेरिका में 31 मार्च 2020 तक 3,400 से ज्यादा मौत हो चुकी है और कंफर्म्ड मरीजों का आंकड़ा 2.25 लाख के पार हो चुका है। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, यूके, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया समेत कई और मुल्क स्टेज 3 में दाखिल हो चुके हैं और कई मुल्क बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, जिसमें 130 करोड़ की आबादी वाला अपना देश हिंदुस्तान भी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च करीब 4 महीने से लड़ते हुए दुनिया ने यही जाना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का सबसे कारगर उपाय हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी इंसान दूसरे से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग के इस फार्मूले को जिन मुल्कों ने सख्ती से अमल कर लिया वो तो बच जाएंगे, वरना अब तक खैर मना रहे मुल्कों को भी इटली अमेरिका बनते देर नहीं लगेगी। ये सबक हिंदुस्तान के लिए भी है। दिसंबर 2019, हमेशा की तरह एक अनजान अंधी दौड़ में था दुनिया का हर मुल्क। पृथ्वी, प्रकृति, समंदर, आकाश, यहां तक कि बेजुबान और इंसान की जिंदगी को भी निचोड़कर न जाने कौन सी विकास की इबारत लिख देने की हवश में थी दुनिया। विकसित देशों में हमेशा सबसे आगे रहने की होड़ और विकासशील देशों में विकसित देश बनने जैसा अजीबो गरीब चस्का। दुनिया के सभी इकोनॉमिक जोन्स की तरह सेंट्रल चाइना के हुवाई प्रोविंस के वुहान शहर में भी दिसंबर महीने के शुरुआत में जबरदस्त चहल पहल थी। चीन के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया भर के कारोबारियों का आना जाना था। हर घंटे औसतन ये एयरपोर्ट 7,500 हवाई यात्रियों को अपनी मंजिल पहुंचाने की क्षमता रखता है। कोरोना वायरस से पहले इस एयरपोर्ट से दुनिया के सभी बड़े शहरों के लिए जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, टोक्यो, रोम, इस्तांबुल, दुबई, पेरिस, सिडनी, बाली, बैंकॉक, मॉस्को, ओसाका, सियोल, सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी। दुनिया के 53 देशों के लोग किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल 144 घंटे बिना चाइनीज वीजा के कर सकते थे। मतलब अपने मुल्क से यहाँ आओ, जी भरकर खरीदारी करो, मॉल्स, बाजार देखो, घूमो, खाओ, पियो और ट्रांजिट एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए अन्य मुल्कों के लिए उड़ जाओ। अफसोस, वुहान शहर से यही कनेक्टिविटी, पूरी दुनिया को एक एयरपोर्ट से जोड़ने की यही कोशिश आज कई मुल्कों को जहन्नुम बनाने पर आमादा है। सेंट्रल चाइना यानी मध्य चीन में होने की वजह से वुहान शहर तक
चीन के भी तमाम बड़े शहरों से हवाई, रेल, सड़क और जलमार्ग यातायात का जबरदस्त जाल है। प्रकृति ने वुहान शहर को दो विशाल और खूबसूरत यांत्ज़ी और हैंशुई नदियों के बीच बसाया। शानदार जलमार्ग की वजह से वुहान शहर 2000 साल पहले से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब चीन को औद्योगिकीकरण का बुखार चढ़ा तो चीन के करीब बीचों बीच बसा यह शहर भी कंक्रीट का जंगल बनता चला गया। इंसान मशीन बन गया और छोटे बड़े सभी बेजुबान इस मशीनी जिंदगी की अनियंत्रित भूख मिटाने का लाचार और बेबस साधन। दिसंबर 2019 का पहला सप्ताह, वुहान शहर का साउथ चाइना सी फूड मार्केट। यहां स्टॉल पर काम करने वाले कुछ लोगों ने सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ महसूस की। यह बीमारी जो पहले बेहद सामान्य लग रही थी, वुहान के वेट मार्केट यानी जिंदा जानवरों के मीट के इस बाजार में तेजी से लोगों को बीमार करने लगी। वुहान में काम कर रहे 34 साल के एक डॉक्टर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ली वेनलियांग ने ऐसे 7 मरीजों को बेहद छोटे अंतराल में देखा और वो दहशत में आ गए। उन्हें लगा एक बार फिर से 2003 में फैले सार्स वायरस ने दस्तक दे दी है। डॉक्टर ली वेनलियांग ने नोवल कोरोना वायरस को पहचानने में शुरू में थोड़ी भूल की, लेकिन इंसान के वजूद को मिटाने की ताकत रखने वाले इस बड़े खतरे को भांपने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने बिना देर किए खतरे की घंटी बजाई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिसंबर 8, 2019, वुहान के स्वास्थ्य विभाग को भी पता चल गया कि मामला सामान्य नहीं है। एक तरह के लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मरीजों की हालत अचानक गंभीर भी होती जा रही है, लेकिन तेज एक्शन की जगह इनका रवैया ढीला रहा। डॉक्टर ली वेनलियांग ने महसूस किया कि प्रशासन इसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, तो आखिरकार 30 दिसंबर 2019 को चीन के सोशल मीडिया वीबो के जरिए उन्होंने अपने कुछ डॉक्टर मित्रों को आगाह किया। सोशल मीडिया पर बात तेजी से फैली, लेकिन इसके बाद भी चीनी प्रशासन गलतियां पर गलतियां करता रहा। मुस्तैदी दिखाने के बजाय उस एक आवाज को दबाने की कोशिश हुई जो पूरी दुनिया को इतनी बड़ी त्रासदी से बचा सकता था। 4 दिन के भीतर ही वुहान शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने कोरोना वायरस के पहले विशिल ब्लोअर डॉक्टर ली वेनलियांग को अफवाह और डर फैलाने का इल्जाम लगाकर समन भेज दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग के बाद 7 और लोगों को समन भेजा गया और सख्ती बरती गई। लिहाजा डॉक्टर ने वुहान पुलिस को एक शपथ पत्र दिया कि आगे वो ये जानकारी साझा नहीं करेंगे। नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2020 को वुहान शहर के जिंदा जानवरों के मीट मार्केट साउथ चाइना सी फूड मार्केट को बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोरोना वायरस शायद इस मार्केट में बेजुबानों पर होने वाली दरिंदगी का बदला लेने के लिए शहर और मुल्क की सीमाएं लांघ चुका था। चीन के वुहान शहर में 11 जनवरी 2020 को 61 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना वायरस से ये पहली मौत थी, लेकिन अस्पतालों में अब तक मरीजों की तादाद हजारों में पहुंच गई थी। 2 दिन बाद ही 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में भी कोरोना वायरस का पहला इंटरनेशनल केस डिटेक्ट हो गया। 19 जनवरी 2020 को चीन के 2 अन्य शहरों ग्वांगडोंग और बीजिंग में भी कोरोना वायरस का मामला कंफर्म हुआ। अब चीन सरकार की सांसें फूलने लगी।
कोरोना वायरस महामारी पर पूरी दुनिया नजर रखने लगी थी। हालांकि चीन अब भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बाकी देशों को समझ आने लगा कि चीन बहुत बड़ी गलती कर रहा था। दो हफ्ते बाद ही 24 जनवरी 2020 को चीन का नया साल दस्तक देने वाला था। नए साल की छुट्टियों में लोग लंबी यात्राएं, घर परिवार के लोगों और सगे संबंधियों से मिलने की तैयारी में थे। कोरोना वायरस को तो इसी का इंतजार था कि लोग जश्न मनाएं और वो एक दूसरे से फैलते हुए पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लें। 31 जनवरी तक चीन में कोरोना की वजह से 6 मौतें हो गई। अस्पताल में कोरोना के कंफर्म मरीजों की जैसे बाढ़ आ गई। 23 जनवरी 2020 को चीन के करीब 20 इलाकों समेत कुल 9 देशों में कोरोना वायरस के 800 मामले कंफर्म हो गए। इसमें चीन के वुहान शहर में दिन रात मरीजों के इलाज में जुटे 15 स्वास्थ्य कर्मी भी थे। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। 22 जनवरी को WHO ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन एक बड़ी गलती विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यहां की। कोरोना महामारी की पूरी जानकारी उपलब्ध न होने का हवाला देकर इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया। इससे दुनिया के बाकी देश समय रहते सचेत नहीं हो पाए, लेकिन चीन को तो वुहान और अपने दूसरे शहरों का अंदाजा हो चुका था। वुहान के बाजार, मॉल्स, दफ्तर, हर जगह चलते फिरते लोगों के कदम लड़खड़ाने लगे थे। चीन में तड़पती हुई जिंदगियों की तस्वीरें नियंत्रित तरीके से ही सही, लेकिन दुनिया में पहुंचने लगी थी। चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कई मुल्कों ने अहम जानकारी छुपाने और दुनिया के सभी देशों को खतरे की जग में ढकेलने के लिए चीन को कोसना शुरू कर दिया था। आनन फानन में चीन सरकार ने चीनी कैलेंडर के नए साल के ठीक एक दिन पहले बड़ा फैसला लिया। तेईस जनवरी को वुहान और वुहान से सटे दो शहरों को लॉकडाउन कर दिया। कुछ तैयारियां चीन दुनिया से जानकारी छुपाते हुए भी कर रहा था, इसलिए 23 जनवरी 2020 को ही 1000 बेड का एक नया अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया, जो कि एक रिकॉर्ड कायम करते हुए 10 दिनों में बनकर तैयार हुआ। लेकिन अब तक मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि ऐसे कई अस्पतालों में भी जगह कम पड़ने लगी। 27 जनवरी को चीन में 2745 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी, लेकिन 31 जनवरी को आंकड़ा 9802 हो गया। और 7 फरवरी 2020, जिस दिन व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर ली वेनलियांग की कोरोना वायरस से मौत की खबर आई, उस दिन तो चीन में कोरोना वायरस के कंफर्म्ड मरीजों की संख्या 31,198 हो गई थी। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज और मौत की खबर के साथ डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पूरी दुनिया के लोगों ने डॉक्टर ली वेनलियांग को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। चीन के लोगों की आंखों से तो जैसे आंसू फूट पड़े। एक अपने हीरो डॉक्टर ली वेनलियांग को खोने के आंसू, साथ ही क्रोध के आंसू। उसके मुल्क ने डॉक्टर ली वेनलियांग की बात को क्यों नहीं सुनी, क्यों उसकी आवाज को दबाया, क्यों बेकसूर जिंदगियों को मौत की आग में ढकेला। काश एक डॉक्टर की आवाज सुनी गई होती। अब तक एक के बाद एक वक्त पर फैसले न लेने की कई गलतियां की जा चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय तबाही के इंतजार के। 20 फरवरी को इटली के उत्तरी इलाके में मौजूद लोम्बाडी शहर के 38 साल के एक युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई और फिर अचानक से सैकड़ों मरीज सामने आ गए। अमेरिका में भी कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि 20 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन देखते देखते मरीजों की तादाद बढ़ती चली गई। इटली में मौत का आंकड़ा 12,000 के पार जा चुका है, जो चीन से कहीं ज्यादा है। अमेरिका में मरीजों की संख्या 2.25 लाख के पार जा चुका है, जो चीन से कहीं ज्यादा है। अब हिंदुस्तान की बारी है। इंडिया लॉकडाउन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से
दूरी बनाकर रहने की अपील की गई है। लेकिन इस देश में हालात ही ऐसे हैं कि कुछ चीजें चाह कर भी संभाली नहीं जा सकती। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी बचाने की कोशिश बड़ी है या भूख की तड़प मिटाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाने का जज्ब। जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आप चाहें तो मुश्किलों को कम जरूर कर सकते हैं। आओ मिलकर हिंदुस्तान को चीन, इटली, अमेरिका बनने से बचाएं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार के सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करें। अपने आसपास मौजूद गरीब, लाचार, भूखे बच्चों की मदद करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। सिर्फ सरकार ही नहीं, 130 करोड़ देशवासियों के इस मुल्क में हर समझदार और संपन्न नागरिकों को कोशिशें करनी होगी, योगदान देना होगा। इतिहास गवाह है, हमने कई जंग जीते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ भी जंग हम जीतेंगे। हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल SNN TV इंडिया को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर मिलेंगे एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। जय हिंद।